ऐसा ही लगता है जैसे कि मुझे भी फील होता है। जी हाँ, देखने में भद्दी सी ये सब्जी, क्या आपको भी ऐसी ही लगती है कि खाने में कैसी होगी और इसे देख कैसा लगता है कि इसे खाने से क्या ही फायदा होगा। भद्दी सी दिखने वाली सब्जी गुणों का भंडार है, पोषक तत्वों का खजाना है ये सब्जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे शक्ल सूरत के आधार पर देखकर खारिज कर दिया जाता है, परंतु इनमें होता है हीरो का खजाना। जी हाँ, इनमें से ऐसी ही एक सब्जी है जिसके अंदर है गुणों को खजाना ही। तो ये और कोई नहीं, ऐसी ही दिखने वाली सब्जी है हमारी अरवी की सब्जी। अरवी का दूसरा नाम घुइया या अरवी है। इस भद्दी से दिखने वाली की सब्जी के 100 ग्राम में विटामिन और प्रोटीन का पूरा पैकेज मिल जाता है। प्रोटीन का भंडार है ये सब्जी, वाले प्रोटीन से मसल्स में स्ट्रॉन्गनेस आती है। फाइबर का भंडार है अरवी। फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से आंतों को अच्छे से साफ करता है, जिससे कि गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है और कब्ज की समस्या नहीं होती। पाचन की कोई शक्ति देता है, जिससे कि पेट अच्छे से साफ होता है, खाना अच्छे से पच जाता है, तो बॉडी में ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा विटामिन हमारी बॉडी को मिलते हैं। आपको पता है अरबी की तासीर कैसी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, अरबी की तासीर होती है ठंडी। इसका उपयोग गर्मियों में अच्छे से किया जाता है। गर्मियों में इसका उपयोग करने से शरीर में ठंडक बनी रहती है। विटामिन ई पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है और शरीर को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देता है। विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बढ़ती उम्र में आंखों के लिए वरदान है अरबी के प्रयोग से। बढ़ती उम्र का जो आंखों पर प्रभाव पड़ता है उसको भी बहुत कम कर देती है। विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अरबी में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और जल्दी से किसी भी बीमारी को होने से रोकता है। पाया जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अरबी का कैसे उपयोग किया जाता है? जी हाँ, अरबी की सूखी सब्जी भी बनाई जाती है, गीली सब्जी भी बनाई जाती है, अरबी की फ्राइड सब्जी भी बनाई जाती है। अरबी के आटे का उपयोग पेस्ट्री को भरने के लिए और सोसन में बाइंडर के रूप में किया जाता है। अरबी की सब्जी खाने से या उसका किसी भी रूप में प्रयोग करने से कौन कौन सी बीमारियों में फायदा होता है? या फिर फ्रेंड्स, अरबी के अंदर काफी मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि इंसुलिन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यदि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, हाई शुगर हो जाती है, तो उसको रक्त में कंट्रोल करती है अरबी, यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो कि बीपी को कंट्रोल करने में, बीपी को नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी अरबी का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। बीपी की प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल है अरबी। किसी को नींद कम आती है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको भी दूर करती है अरबी। अरबी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि नींद की समस्या को दूर करने में लाभकारी होती है। यदि अरबी के पत्तों की सब्जी और कंद को मिलाकर साग सब्जी बनाकर खाया जाए, तो यह नींद को भी कंट्रोल करने में, नींद को अच्छी दिलाने में बहुत हेल्प करती है। परंतु फ्रेंड्स, इसके पत्तों की सब्जी बनाने से पहले और कंद की सब्जी को प्रयोग करने से पहले आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या इसके पत्तों की सब्जी आपके लिए लाभ सूट करती है या नहीं, क्योंकि अरबी के पत्तों की सब्जी किसी किसी को सूट नहीं करती। अरबी की सब्जी भूख को नियंत्रित करने में भी काम आती है। अरबी की सब्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और भूख को कंट्रोल करने का भी काम करती है, इसलिए अरबी की सब्जी वेट कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अरबी में फाइबर अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, फाइबर आंतों को साफ करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आंतों को अच्छे से साफ होने से पेट साफ हो जाता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होता है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है शरीर में बहुत बहुत अच्छे से होती है, तो कब्ज की समस्या नहीं रहती और डायरिया की समस्या भी नहीं रहती है। तो अरबी की सब्जी पेट को दुरुस्त करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जरूर से प्रयोग कीजिए इन गर्मियों में अरबी की सब्जी का। सिस्टम में अरबी का उपयोग स्पाइसी करी के रूप में किया जाता है। तो हाँ, अरबी के ये थे बहुत सारे फायदे। अरबी को बहुत तरीके से यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद है शरीर के लिए अरबी।
परंतु किन लोगों को अरबी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्रयोग करने से अरबी कर सकती है बहुत नुकसान, किन लोगों को अरबी बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, किन के लिए बन सकती है अरबी एलर्जी का कारण, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हाजिर होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।